मैं इसे पहनाती अपने भाई को अपने खुद हाथों से। चले माशा हाथ की जा पहनने के लिए जरूर बताना है कि ये मैंने जो अपने भाई को गिफ्ट दिया है ये कैसे हैं। है माशाल्लाह। हाँ जी, जैसे मेरा भाई बहुत प्यारा है तो नाम भी बहुत प्यारा है। हाँ जी, और सरप्राइज है, मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहले अपने बड़े भाई का सरप्राइज ओपन करती हूँ कि अपने बड़े भाई को क्या गिफ्ट दे रहे हो लोग। वो भी आंखें नहीं खोला, वो देखे डर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं अपने अम्मी के घर में जा रही हूँ, तो अम्मी अबू के घर में पहुँच चुकी हूँ माशाल्लाह से। पहुँच तो तीसरा दिन है गई हूँ, लेकिन वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ और आज मैं अपने भाई का फेस भी दिखाऊँगी, छोटे भाई का। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अम्मी से वो आप लोगों को यानी कि पूछ के बताऊँगी कि तबीयत का आप ही यानी कि आपके सामने पूछूँगी कि उनकी तबीयत कैसी है। तो चलते हैं अम्मी के पास और उनकी तबीयत का पूछते हैं और अपने छोटे भाई के पास। और जो जो मैं अपने भाइयों को गिफ्ट दूंगी वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था कि मैं अपने छोटे भाई को ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट दूं। अपनी हैसियत के मुताबिक मैंने अपने भाई को गिफ्ट दिया है, तो आज वो भी शेयर करूंगी कि मैंने क्या गिफ्ट दिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, आपके दुआओं से हम भी ठीक हैं। तो मेरा व्लॉग शुरू हो चुका है। आज हम दिखाने वाले हैं आपको सोबिया के भाई का फेस। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। जैसे कि आपको पता है कि उसका भाई पैदा हुआ था, तो मैंने कहा सोबिया को कि आपने वीडियो बनाकर अपने भाई की जो है फेस भी दिखाएं और बहुत प्यारी सी अच्छी सी वीडियो बनाए अपनी फैमिली की, तो वो बनाकर भेजेगी, तो मैं जो है आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और आपने रहना हमारे साथ है, वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बहुत ही मज़ेदार व्लॉग, विलेज के खूबसूरत से नज़ारे। और ये देखें गधा घास खा रही है और उसके साथ ही अम्मी जान सफाई कर रही है। माशाल्लाह अम्मी सफाई करने लगी हैं। हाँ जी। अच्छा, सफाई कर लेती हूँ मगर डर भी बहुत लग रहा है, टूटिया ना मार जाए। आप तो पीछे से उसके आ जा रही हो। अच्छा, ऐसे मार जाए ना आधी हो जाए। हाँ, ऐसे ना हो जब मैं अपनी जा डरी रहूं तो अपनी जा। हाँ, डर डर के ऐसे वो खड़का रही है टूटिया। हाँ, तो ऐसे ना ये गंदिया टूटिया मारते ना पीछे से। हाँ, ख्याल किया करो। और आज जो है सोबिया के भाई का फेस दिखा दें। हाँ जी, दिखा दो। हाँ जी, क्योंकि तो जब से पैदा हुआ है दिखाया नहीं है ना बहन भाई को। हाँ, तो सोबिया उधर गई हो ना। हाँ जी, तो वो ना भेजेगी ना। हाँ जी, फिर दिखा देना। मैंने उसको कहा तो है वीडियो बना के भेजना। हाँ जी, आज उम्मीद तो है, देखो भेजती है कि नहीं भेजती। ऐसे बहन भैया को बता रहे हैं। बता तो रहा हूँ, वो तो फिर वीडियो आएगी तो हम शेयर करेंगे ना। हाँ जी, चलो। और भी खुशखबरी है, मुबारकबाद तुम्हें दे दूँ, वो भी बेबी की। अच्छा, भाई नहीं आए नवीद भाई? नवीद भाई और शकील भाई। हाँ हाँ, शकील भाई का भी बेटा पैदा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत खैर मुबारक। आपको भी तो मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आने जाने के लिए हमें बहुत अच्छी वक्फियत है। माशाल्लाह, मैं इसलिए वीडियो में बता रही हूँ, मुबारकबाद दे रही हूँ। हाँ, ताकि उनके रिश्तेदार है ना। हाँ जी, किसी के होते हैं बहुत ज्यादा रिश्तेदार होता है। हाँ जी, जो किसी को उन्हें ना बताया हो तो वीडियो देख के भाग के आ जाने मिठाई खाने। हाँ जी, तो हम भी मिठाई खाने जाएंगे ना। हाँ, पहले उन्हें खिलाएंगे अपने बेबी की। हाँ, फिर उनके पास जाएंगे खाने। हाँ, सही बात है, खुशी की बात है। हाँ जी, जन की औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से नवाजे। आमीन, घर में ऐसी खुशियाँ हो। आमीन, इंशाल्लाह। तो मिठाई खाने का हक होता है, खुशी होती है, बना मुबारकबाद देता है, मिठाई खाता है। हाँ जी, तो दिल बहुत खुश होता है। बिल्कुल, इसलिए मैं कि उन्हें जो रिश्तेदार उनके ना हमारी वीडियो देखते होंगे ना, सबको पता चल जाएगा, इतना आके हमला लगा दे मैं। हाँ, मिठाई के लिए। ओ ओ है, गधा आ रही है, ख्याल करना। मुझे कुछ भी नहीं आती, सारा दिन गधा के साथ होते हैं। हाँ, चलो ठीक है, काम कर लें। सारी भाड़े की सफाई करेंगे अम्मी जान। इस टाइम कल भी किया था, परसों भी किया था, रोजाना सफाई होती है। और भाड़ा जानवर उजर ना खाते पीते हैं ना, इतना
हाँ जी, गंद फैला देते हैं थोड़ा। जानवरों की तो रोजाना ही सफाई करनी पड़ती है। हाँ जी, जगह पूरी हवेली में झाड़ू नहीं लगा सकती। हाँ कोई बात नहीं। और मुनीब जो है दवाई लगा रहा है बकरियों को, दे देखे अच्छे से लगा देना, जो पसीना आए ना तो सही हो जाए। हाँ मल मल के टूटी हुई है ऐसा ऐसा। हाँ इसलिए वो दर्द करती है, तो ये देखे चिंग रही है, टूटी हुई है। हाँ और वो उसको भी लगा देना, उसको भी लगा देना, ताकि तीनों ठीक हो जाए। विंटोजिनो है। हाँ। अच्छा विंटोजिनो दवाई मुनीब लगा रहा है। मल मल के मल मल के वीआईपी करके अभी घाट चलते हैं, क्योंकि बाहर गया हुआ था इधर देखने, बाहर का माहौल देख लिया तो अंदर आ गए हैं। अंदर जो है सबसे पहले हम मिलते हैं इस्तियाना बीबी से। अस्सलाम वालेकुम इस्तियाना बीबी, ठीक हो? तभी तो ठीक है ना, रात ठीक होते आए, बुखार तक कहाँ निकलिया? अच्छा खुश थी तो सोते आवे मिल सवेरे को गुड़िया मिल से, गुड़िया मिल गई, बहुत प्यारी गुड़िया है आपकी, मजे की है। कैसे इसको लोडे मारो? हाँ ये चीखती नहीं है, चीखने वाली नहीं लेके आए जकिया, आपने बोलना था उनको कि वो चीखने वाली ले आए। आप अगर कह देती है तो फिर वो लेके नहीं आते। नहीं इस्तियाना ने तो गुड़िया का कहा है, आप उनको कहते वो जो चीखने वाली होती है वो लेके आना। ऐसे लेके आ गए अब इस्तियाना क्या करेगी बेचारी, वो तो रोती भी नहीं है। रोती है बूथी है, कहती है बूथी भी है। और इसका नाक कहाँ है, और इसकी अखी कहाँ है, और इसके कान कहाँ है? इसके कान कान आपके नहीं उसके, ये हैं। और गाल कहाँ है, गाल? अच्छा लालड़ी कहाँ लगानी है? अच्छा मत्था कहाँ है? अच्छा सोनी गुड़ी है। अच्छा उसके बाह कहाँ है? ये जूता पहना हुआ है, ये तो लगते हैं जूते पैर हैं, ये तो इसकी टांगे हैं। ये डेड है, इसको भूख भी लगती है, इसको क्या खिलाया है? नाश्ता करा लिया, नहलाया है, इसको नहलाना नहीं है, ये ऐसे ही होती है, ठीक है? इसको कभी भी नहीं नहलाना। चीनी माचस शाम के पकाने की कोई चीज़ वो बता कर भेजा करे काम के, क्या लेना वो आप ले आए आज ले आए? गोभी। गोभी? गोभी उसने नहीं खाना। गोभी खाओगी? गोभी उसने नहीं खाना। एक कपड़े धोने वाला साबुन, साबुन सार्फा। हाँ साबुन आप अगर भूले ना तो फिर देख लो मैं उस बंदे के पीछे पार जाता हूँ जो फिर भूलता है। नहीं मेरा एक कद्दू रखा है, वो बना लूंगी, अगर गोभी लेनी है तो ले लेना। चलो गोभी लेने तो ले लो, वो कद्दू बनाएगी जो अबू कहेगा। हाँ जी और आगे पंचर है ना, ये रात को पंचर करके ले आए, इसको जाकर पंचर लगवाए। ये कौन सा पंचर है, क्या होता टूट करता हुआ? आज थोड़ा सा पंचर और टोप खत्म हो जाती है। कैसे पागल हो तुम? दो बने ऊपर है। चलो चलो जाओ। एक यहाँ बैठा था और एक यहाँ। फिर चला रहे थे। चलो अब जाओ, सौदे तो बता दिया ना, सब्जी भी अच्छे से ले आना। सब्जी बताओगे तो फिर। अच्छा तो कपड़े जो है कपड़े धोने वाला साबुन चीनी और माचिस, कपड़े धोने वाला साबुन चीनी माचिस सब्जी। हाँ ठीक है, फिर भी याद नहीं रहेंगे? याद है। क्या क्या? कपड़े धोने वाला साबुन चीनी और सब्जी और पंचर लगवाना है और माचिस। लेख कर दो भूल जाएंगे। सीट भी ऐसा बोलता था।
हाँ सेब तो को तो पर्ची पर लिख के भी दिया है, फिर भी भूल गया था। फिर भी लिखे हुए भूल जाता है, आप वैसा करोगे? पर्ची जाओ फिर अबू से लिखवा लो, जाओ अंदर, अबू के पास पेंसिल भी होगी, पर्ची उसके पास होगी, पहले लिखवा के पैसे लेके आ जाओ। अच्छा आज कपड़े धो रही है, कपड़े धोने की बारी आ गई, बाल्टी आ गई। सियाना आप नहीं धुलवा रही, आपने गुड़िया उठाया हुआ है, इसको उधर गटर में फेंक दो। वो कह रही है रिजवाना धुलवा रही है, रिजवाना धुलवा रही है। मैं कहता हूँ इसको बेबी के साथ सुला दो चार पाई पर, फिर कपड़े धुलवा लो। बेबी को भी उठा देगी और अपने बेबी को भी नहीं सुलाएगी। हाँ वो रात भर सोया नहीं है, अभी माशाल्लाह से सो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशानी वाली बात भी नहीं है। अल्लाह पाक हमारे बेबी को ठीक ठाक रखेगा। हाँ जी रिजवाना ने बोला मैं सारे कपड़े धो लूँ। नहीं वो रिजवाना ने मुझे बोला है, मैं खुद रिजवाना के साथ धोवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े हैं और उधर से वो देखे वो न्यू कपड़े थे, वो रिजवाना कैसे धोती, और इधर से ये जो मुनीब के कपड़े हैं ना ये दागो दाग है, ये इतने दागो दाग थे ना, वो रिजवाना कैसे धोती। रिजवाना ने मुझे बोला है, रिजवाना ने कहा कि आपने नहीं धोना मैं खुद धो लूंगी। मशला से रिजवाना हर काम करती है, ये हाथ मेरा भी नहीं बनता, मैं ऐसे बैठी रहूं, वो बेचारी ऐसे करती रहे। नहीं आपसे जो हो वो किया करें, हाँ जी। अगर ये कर सकती हैं तो सही है, ना भी करें तकलीफ होती है आपको तो फिर ना करें। रिजवाना माशाल्लाह तकरी रिजवाना ने मुझे रात को एक दिन बोला था कि ये इरफान का दूध जो होगा ये चाय नहीं पिएगा, इसका दूध मेरी चाय वाला दूध आपकी चाय वाला दूध, ये आप दूध पिएंगे और हम चाय नहीं पिएंगे। अच्छा नहीं आप लोग चाय पिए, नहीं उठा, वो नींद में ऐसे कर रहा है, पहले भी नींद में ऐसे कर रहा था, जटिया ने उठा लिया उसको, वो गोद में नींद थी फिर से पिला दिया, अब भी जाग रहा है। हर बार नींद में ऐसा नहीं करता, वो हिल रहा है। हाँ अभी उसको नहलाते हैं, हाँ गर्म हो गया, बढ़ जाए। हाँ जी पानी भी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म हो चुका है, उधर आग पे रखा हुआ है। हाँ जी नहलाओ अच्छी तरह से। जकिया ये प्याला उठाया हुआ है, क्या करने जा रही हो? समिया को चाय, चीनी लेने जा रही हो? चाय। अच्छा अच्छा समिया को चाय पिलाई है। 11 बजे पूरे 11 बज गए हैं। हाँ जकिया का ये कल वाला सबूत है, क्योंकि कल जकिया 1 बजे कपड़े धो रही थी, वो यही वजह है कि 11 बजे तक तो समिया नाश्ता करती है। उसको रोटी खिलाना, उसको चाय पिलाना, उसको खिदमत में जो है बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी जो है जकिया धोएगी कपड़े अपने, फिर बर्तन धोएगी, फिर 1 बज जाएगी, तो यही वजह है। हाँ जी। अच्छा बर्तन धोएसा कपड़े धोएसा। हाँ बाकी उन्होंने तो ये देखे सारे धो डाले। वो तो सवेरे से उन्होंने दे खाने वाले मेरे तो छोरी दे आपके छोटी बच्चियों के। चलो और कोई आपके लिए मेले पे क्या लेके आया? कुछ कहना। आप गुड़िया लेना चाहोगे? नहीं। हाँ मैं कहने नहीं लेंदी। नहीं लेंदी? अच्छा जाओ अम्मी और अब्बू बैठे हैं, उनको मेरा सलाम देना। इस्तिहाना ये क्या बना रही हो? इधर देखो ये क्या है? मुरक्खा। किस लिए बना रही हो? अपनी बेबी के लिए। ये रिजवाना क्या बना रही हो? मुरक्खा जो बोलते हैं ना वो। अच्छा हाँ जी। इस्तिहान का मुझे बना दो।
जो रात को गुड़िया मेले से लेके आया है हाँ जी। उसको सुलाने के लिए ये बनवा रही है हाँ जी। अच्छा शाबाश, उसका मुंह भी धुला देना रखिया। अच्छा VIP बना ना इस्तेहा ना, ये मैं तोड़ दूं या ना तोड़ूं? ना तोड़ूं? आज ना तोड़। जकिया कहते हैं मैं तोड़ती हूँ, जकिया को तोड़ने दूं? अच्छा आप कैसे गुड़िया को उठाती हो? ऐसे सोई हुई अंदर जाकर दिखा दो, जैसे ना साकेप सोता है ना हाँ। बना कर वैसे मैं बना दूं सुला के आई है। सच इस्तेहा ना सुलाई हो, मैं फिर जाकर दिखाता हूँ, मैं आपके गुड़िया दिखाता हूँ। ओ हई दिखा दू, चलो मैं दिखाता हूँ। हाँ जी इस्तेहान आपने लिए बनवा रही है जो गुड़िया लेके आई है। आपको पता है हर शौक पूरा करती है अपना। बिस्तर ले आए, कंबल ले आए, पैसे दो, पैसे दे शॉपिंग करो। गरम बिस्तर उठाओ हाँ। सर्दी ना लग जी। ओ साकिब क्यों रो रहा है अबे? अकेला सोया हुआ है क्या? अच्छा अच्छा चलो, और मैं ठीक हो? अबू भी घर पे बैठे हैं? बैठे हैं। अच्छा घास करने आज नहीं गए, खत्म हो गए? नहीं गए तो मुनीब जाके भाग गया। हाँ मुनीब तो गया सौदे लेने, वापस आएगा तो फिर कोशिश करेंगे। दहाड़े दो का चलो, ज्यादा बकरे का मसला बन गया ना, बच्चे को तो तूड़ी डाल दो चलो गुजारा हो जाएगा। हाँ जी बकरिया क्या खाए। हाँ मसला तो यही है ना, जो बेचारे जख्मी पड़ी हैं वो ऐसे भूखे। यही बोलते हैं जो हल्दी है जड़ी ना शर्म वाला तेल है ना उन्हें हल्दी मिला के फिर उन्हें मालिश करें तो जल्दी सेट हो जाए। हाँ आज वो भी करते हैं मतलब जल्दी चलने फिरने लगे तो चरण जाए। हाँ तो भूखे मर जाएंगे घर पे। हल्दी बना के तेल में फिर वो लगाए, लगाने गर्म होती है ना तो जल्दी सेट हो जाएगी। हाँ जी चलो वो अभी बना लेना। और मामू का भी पता चला कोई? मुझे तो नहीं पता, कॉल तो तुम करते हो क्या पता। हाँ मैंने आज नहीं हुआ, मैंने मामू मुखलिस से पूछा, वो कहते हैं आप बेहतर हैं अभी आए हैं हॉस्पिटल में। अच्छा अभी छुट्टी नहीं दी? हाँ जी क्या उधर आपको पता है ऑपरेशन हुआ है इतनी जल्दी छुट्टी कहाँ देते हैं? वैसे उतना महफूस होता है ना मरीज, टीके वगैरह कोई दवाइयाँ शवाया टाइम से देना, देखभाल करने कोई मसला बन जाता है जिनके सवेले वो आप देखभाल होती है ना उन्होंने। हाँ जी घर आके कोई मसला बने तो फिर तो मसला हो जाता ना जी, तो जितनी दिन उतर रहेगा ना जल्दी सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। दवाइयाँ शवाया लगाने होते हैं कोई टीके वगैरह होते हैं कोई जख्म छूटने वाले कोई होते हैं मेरे अस्पताल में ना मरीज ठीक रहता है जी, लेकिन ऑपरेशन वाले वैसे भी पंचा डे छुट्टी नहीं देते। हाँ बिल्कुल चलो दुआ करना के मामू बिल्कुल ठीक हो जाए इंशाल्लाह, और हमारे घर भी खुशी से चक्कर लगाए। हाँ जी जरूर आएंगे हमारे बेबी को देखने आएंगे इंशाल्लाह जरूर, जब तबीयत सेट होगी तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। हाँ जी चलो ठीक है। ये देखें इस्तेहाना की गुड़िया सोई हुई है, जैसे उधर भाभी जी ने बिस्तर बनाया ना वो जैसे मिट्टी का बना हुआ है वैसे इस्तेहाना बनवा रही है, तो वो कहती है कि मेरी गुड़िया भी ऐसे ही सोए, तो इसलिए ये अभी फिलहाल जो है कोई लकड़ी के साथ इसको लगाया और इसकी गुड़िया जो है इधर से ये देखें। इससे आना के काम चेक करें, नीचे भी बिस्तर बनाया हुआ है और गुड़िया उसकी सो रही है और ऊपर से ये दिया हुआ है। चलो भाई उसका जैसे सो रही थी ना वैसे सुला देते हैं, ये ना हो कि इस्तेहाना फिर कहे मेरे बेबी को उठा दिया। ये देखें अभी ऐसे सोई रहेगी तो वो उसका जो बना रही है वो सूख जाएगा, तो फिर आकर वैसे सेम वैसे रख देंगी और बिस्तर बना के खुश हो गई है अपनी अपनी गुड़िया को जो है खेल खिला रही है पिला रही है बहला रही है, खुश होती है ये गुड़िया को देखकर। मुनीब आ गए हो सौदे की गठड़ी लेकर? हाँ
माशाल्लाह। मैं अभी अभी आपका नाम ले रहा था, मैंने कहा पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। पंचा लगवा लिया, अभी सही है। चैन बनवाई है, चैन को क्या हो गया था? चैन तो फिर भी उतर जाती है वो, इसको कोई मसला है। अच्छा, राशन जो जो लेना था सारा पूरा ले आए हो? हाँ जी। चलो अंदर जाकर देखते हैं कि आप क्या क्या लेके आए हो। चलते हैं जी अंदर राशन लेके अम्मी और अब्बू के पास, और देखते हैं कि आज मुझे क्या लेके आया है, जो बताया वही लेके आया है या भूल गया है कुछ। अम्मी ये लें राशन। क्या कहता है? भूख नहीं कोई। हाँ अच्छा, लाख मजदूरी वो 70 लाख कौन ले गया? बिल्ले के शागिर्दों ने 30 रुपए का लाख है। हाँ ऐसे 70 रुपए ले लिए, जितना बोलते हैं ना दे देते हैं। और टोप कितने की कहा है? 600 की। 600 की टोप भी पैसे दे आना। 500 की टोप है। अबे मैं अबू जी खुद बात कर लेंगे उनसे। इसकी ये देखें, ये रिजवाना ने बोली थी आज गोभी, मुनीब ने कहा था तो गोभी ले आया है माशाल्लाह। मास्ते भी टप्पी लेते हैं, हाँ ये गोगलू खाने वाले छोटे छोटे लिए थे ना खाने वाले। और ये चीनी, और इसमें आलू भी है क्या? आलू मसाला। अच्छा ये कपड़े हमारे हैं। किसके? इस्तियाना आपकी गुड़िया के लिए कपड़े आ गए? हर चीज कर रही है, उधर सुलाया हुआ है जैसे बेबी सोता है। पहनाओगी? क्या घास है अभी उनके पास में? मैं क्या देखती हूँ, कपास खड़ी है उधर, वो पास जाएंगे। अच्छा खड़ी है, खड़ी है। हाँ खाने के लिए, खाने के लिए अब्बू को भी दे दो इधर से। ये नमक भी ले आना, अब्बू को भी दे दो। और फोफस ना हो, अंदर से फोफस भी होते हैं, वो भी ख्याल कर, ऐसे फूके ना हो। तो माशाल्लाह से मैं पहुंच गई हूं अपनी अम्मी के पास, और आप लोगों के सामने अपनी अम्मी की तबीयत का भी पूछ, वैसे तो मैंने पूछ लिया लेकिन आप लोग को ना पूछवाते हो आपकी तरफ से। तो अम्मी जी बैठी हुई है, सुनाए अम्मी जी, वो जब परेशान हुआ था उनका जख्म वगैरह छूट गया है? हाँ सही बात है, क्योंकि मैं बताती चलूँ कि मेरी अम्मी का जो है वो जब बेबी हुआ था तो बड़ा ऑपरेशन हुआ था, तो आप लोगों को तो पता है कि 3 माह बाद ही ये जख्म छूटते हैं, और अम्मी जो है वो कोई काम भी नहीं कर पाती। अभी फिलहाल वो छोटे बेबी को उठाए बैठी रहती है, और बेबी की जो है रात से तबीयत ठीक नहीं है, उसे तेज बुखार है। बस दुआ करें कि मेरे भाई जो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अपने भाई का मैं अभी दिखाती हूँ फेस कि मेरे छोटा भाई किस पे गया है और कैसा है। ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई सोया हुआ है। मेरी अम्मी ने जो है उसे उठाया हुआ है, क्योंकि रात से ना इतना चीखता रहा है, नींद भी नहीं आई, अभी जो है वो कुछ सो रहा है, क्योंकि दवाएं वगैरह खिलाई पिलाई हैं, तो इसी वजह से आपको तबीयत बेहतर भी है। और जो गिफ्ट लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ कि मैंने क्या गिफ्ट देना है सबसे पहले, क्योंकि मेरे बहन है और मेरा भाई जो है बड़ा भाई वो तो गए हुए हैं स्कूल, घर पे है कोई नहीं, मैं और मेरी अम्मी और अब्बू जो है वो कहीं काम से गए हुए हैं, वो भी घर पे नहीं है, बस हम दोनों माँ बेटी हैं
और एक छोटा भाई। चलो कोई बात नहीं, भाई तो है हमारे साथ। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ और सरप्राइज है, मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहले अपने बड़े भाई का सरप्राइज ओपन करती हूँ कि मैं अपने बड़े भाई को क्या गिफ्ट दे रही हूँ। तो माशाल्लाह से ये मैंने उनके लिए सूट लिया है, फिर सिलाई करवाएंगे इंशाल्लाह, मेरा भाई पहनेगा। मुझे तो यही कलर अच्छा लगा, बहन भाई बताएंगे कि ये कलर कैसा है। ये बहुत ही प्यारा कलर लिया है। और मैं बताती चलूँ कि मेरा भाई ना, मुझे तो मेरे अब्बू की शक्ल की तरह लगता है, सेम एक ही फेस है दोनों का। वो अभी आंखें नहीं खोला, वो देखे डर रहा है। वो दाम वगैरह भी करवाते हैं, पता नहीं क्या है, फिर भी डरता रहता है। इनकी तबीयत ना बिल्कुल ठीक भी नहीं रहती। अब खोलती हूँ छोटे भाई का सरप्राइज जो मैं उसे गिफ्ट देने वाली हूँ। ये मैंने उनके लिए लिए हैं कपड़े। ये उनकी सलवार और ये हो गया कमीज। ये बहुत ही प्यारा कलर है, देखें सूट भी करेगा माशाल्लाह से। क्योंकि छोटे छोटे बेबी के कपड़े लेना ना मजा आ जाता, कहते हैं दिल करता है कि अगर मेरा भी बेबी होता ना, मैं अपने बेबी के लिए भी यही ले लेती। कोई बात नहीं, मेरा छोटा भाई है और वो भी है ना हमारा मोहम्मद साकिब, जब उनके कपड़े देखती हूँ ना दिल खुश हो जाता है। तो और ये इसकी सलवार और इसके साथ का ये कमीज। डिजाइन एक ही है और यानी रंग का फर्क है। तो अम्मी जान, मैं ना अपने भाई को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। आप कहें तो दिखा दो, ना कहें तो ना दिखाओ। दिखा दो ना, हम तो इंतजार में हैं कैसा गिफ्ट है। हाँ, वो मैं अपने हाथों से उसे पहनाऊंगी। वो गिफ्ट मैं ओपन करती हूँ। ये रहा, ये मैंने अपने भाई के लिए बनवाई हुई है जंजीरें जो ना हाथों में डालते हैं। लड़की तो नहीं है जो उसके कान में या नाक में डाले। ये देखें, ये दो मैंने बनवाई है, ये छोटी छोटी सी है। और एक ये है, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरा भाई होगा ना दूसरा, तो मैं उसे पहनाऊंगी। क्योंकि जब मेरा बड़ा भाई था तो उसे ना मेरी काला ने पहनाया था, अब इस भाई के नसीब मेरे हाथ में था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने भाई को खुद पहनाऊं ये। तब इसे खोल के पहनाते हैं। और जो कैमरा मैन है वो है आपका बहुत ही प्यारा भाई मोहम्मद मोहसिन सईद बलोच, सिद्रा विलेज लाइफ वाले। मैंने सोचा मैं अपना भी इंटरव्यू करवा लूं, बाद में जो है ना बहन भाई ये सोचेंगे कैमरा मैन ही कोर कर रहा था। सही बात है, क्योंकि मैंने अबू को बोला था, अबू वो गया हुआ था किसी काम से, तो आपको कॉल की कि आप आ जाए मेरे साथ वीडियो बनवा ले। आप तो उनके ना कजन है ना मेरे हस्बैंड के, मेरे हाँ, के मुझे भी कॉल की थी, मैंने कहा चलो जैसे ही टाइम निकलेगा तो मैं बना लूंगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। चले ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। अभी बहन भाई मेरा बेटा हाथ हाथ की पहनने के लिए उतावला हो रहा है, तैयार कर रहा है। हाँ जी, क्योंकि मैं ऐसे ना, तो बहन भाई ने जरूर बताना है कि ये मैंने जो अपने भाई को गिफ्ट दिया है ये कैसे हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मैं इसे पहनाती अपने भाई को अपने खुद हाथों से। चले माशाल्लाह, आज ये पहन जाएंगे इंशाल्लाह। वो हाथी खींच रहा है अपनी तरफ। हाँ जी, पता नहीं कैसे पहना है, जैसे आप पहन ली। अब पहन ली। हाँ जी, ऐसे ना कसेंगे, मजबूत करने है ना।
कोई चीज ऐसा ना बंद कर देना। सही है। दूसरी ये है, दोनों में पहनानी है। हाँ जी दोनों पहनाऊंगी, दोनों हाथ में। ये ना हो कि मेरा भाई बोले कि एक हाथ में पहनाई है वो तो उसमें आवाज देती है, ये देखें दूसरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी पहना लिया है माशाल्लाह से, ये देखिए मेरे भाई के हाथ में बहुत ही माशाल्लाह प्यारा। वो भी कह रहा होगा पता नहीं कहाँ से आ गई है, सोने भी नहीं देते। हाँ वो सारी रात सो भी नहीं पाया ना बीमारी की वजह से, उसे बहुत तेज बुखार था ना इसी वजह से। हाँ जी तो मैं बताती चलो, मेरे भाई का नाम है मोहम्मद उस्मान, हमने मोहम्मद उस्मान रखा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है। जैसे नाम मेरा बहुत भाई प्यारा है माशाल्लाह। हाँ जी जैसे मेरा भाई बहुत प्यारा है तो नाम भी बहुत प्यारा है। हाँ जी बिल्कुल जी, अल्लाह पाक नजरे बात से बचाए मेरे भाई को। हाँ जी सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी दे और जो है ना अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन। और ये ले अम्मी जान, ये भी गिफ्ट है। हाँ जी माशाल्लाह गिफ्ट है। अम्मी को गिफ्ट तो देने चाहिए ना। हाँ जी क्योंकि पहले अम्मी बहुत सारे गिफ्ट देती है, अब अम्मी को गिफ्ट देने चाहिए। हाँ जी अम्मी ने जो हमें छोटा सा और बेबी दिया है ना, बहुत ही प्यारा क्यूट सा, अभी इसको उठा ना देना फिर से रोने लग जाएगा। हाँ इतना रोता ना बहुत ज्यादा, रात को सारा दिन रोता है, दिन को भी रात को भी, मैं कहती हूँ पता नहीं रो रो के ना इसका सार भी बढ़ चुके हैं। अब वो बोलते नहीं है ऐसे वो ना गंजा करवाए। सही है तो भाई को मैंने अपनी गोद में उठा लिया है, तो इसी के साथ साथ हमारा व्लॉग भी हो गया मुकम्मल, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी उठ रहा है उस्मान, अभी वो तंग हो गया आपसे, कहता है मुझे सोने नहीं दिया है। हाँ वो सोया हुआ था ना तो उठाया इसीलिए। तो ये थे बहुत बड़े सरप्राइज जो आज दिखाए हैं भाभी जी ने। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं अच्छे लगे होंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।